आज आप में से कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि लोगों के अलावा YouTube चैनल आर्ट चैनल बैनर का भी एक वीडियो बनाइए, इसलिए गाइज मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लाया हूँ। और आज के अपने स्टूडियो में हम चैनल आर्ट बनाना सीखेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा। इसके अलावा गाइज आप लोग मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि मैं इंट्रो कहाँ से बनाता हूँ। एक से बढ़ के एक आप मेरे चैनल पे इंट्रो देखे होंगे, इवन दूसरे वाले चैनल पे भी आपने देखा होगा। तो ये इंट्रो जो बनाता हूँ इसके लिए एक वेबसाइट है रेंडर फॉरेस्ट, जिससे कि मैं ये सारे इंट्रोज बनाता हूँ। बट उस वेबसाइट के साथ एक प्रॉब्लम है, वो पेड वेबसाइट्स है, उसके लिए आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। फ्री में भी आप उससे इंट्रो बना सकते हो, लेकिन वो 360p रेजोल्यूशन में ही आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी लो क्वालिटी में होगा और उस पर उसका वाटरमार्क लगा होगा। सो वो कुछ इस तरह से आप एक्सपोर्ट कर पाओगे कि जो आप अपने वीडियो में नहीं यूज कर पाओगे उसको, उसकी क्वालिटी बहुत बेकार होती है, आपकी वीडियो की क्वालिटी गिरा देगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि 1080p में हाई क्वालिटी में विदाउट वाटर मार्क अगर आप इंट्रो बनवाना चाहते हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले से मिल जाएगा। सो चलिए गाइज बिना किसी देरी के आज के अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइज आज जो हम चैनल आर्ट बनाने वाले हैं, इसके लिए मैं पिक्सल एब एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूं। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो जाइए प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट का एक लाइन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इमेज साइज पे टैप करना है। देन यहाँ से कस्टम पे क्लिक करके आपको यूट्यूब चैनल बैनर वाले को सेलेक्ट करना है। देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ से ये बैनर का साइज है जो कि यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। इसके बाद यहाँ से न्यू टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हमें डिलीट कर देना है। देन हम जो आज चैनल आर्ट बनाए हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, उसका हमें बैकग्राउंड यहाँ एक्सपोर्ट करना है। जो बैकग्राउंड मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, इसका डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको उसे यहाँ पे इम्पोर्ट करने के लिए सिंपली आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। देन आपको आपके मोबाइल की गैलरी में ले जाएगा, वहां से आप जहां भी डाउनलोड किए हो वहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पे मैं बहुत सारे बैकग्राउंड डाउनलोड कर रखा हूँ पहले से, तो ये वाला मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज मैं आपको बता दूं, जितने भी बैकग्राउंड या PNG एलिमेंट्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले से अपलोड करता हूँ, इवन फेसबुक वगैरह पे भी डालता हूँ। सो आप अगर टेलीग्राम यूज करते हो तो मेरे टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसके बाद हमें इसे क्रॉप कर लेना है, कुछ इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें इस इमेज की क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, जैसे कि सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट को हमें थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ नीचे जाना है, यहाँ कलर फिल्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करना है। देन यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इसके सैचुरेशन को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसके कलर को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यू का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसे आप इंक्रीज या डिक्रीज करके यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह से इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें इस पे अपने एलिमेंट्स को यूज करना है, जैसे कि हमारा लोगो है या फिर जिस तरह का हमारा चैनल, अगर गेमिंग चैनल है तो गेमिंग से रिलेटेड कुछ आइकन या फिर एलिमेंट्स हमें यहाँ ऐड करने होंगे, अपने चैनल का नेम वगैरह। सो यहाँ पे सबसे पहले हम चलिए लोगो ऐड कर लेते हैं। तो अपने चैनल का लोगो ऐड करने के लिए यहाँ ऐड वाले साइन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। देन अपने मोबाइल की गैलरी से जहाँ भी आपका लोगो है वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। लोगो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें इसके साइज को थोड़ा छोटा करके यहाँ बीच में प्लेस कर देना है। लोगो को बीचों बीच प्लेस करने के बाद हमें लोगो का भी कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है यहाँ से। देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें इसके पीछे शैडो क्रिएट करना है, ताकि और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हमारा यहाँ लोगो लगे। तो यहाँ पे आपको शैडो का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करना है। देन यहां से इसे इनेबल कर देना है। देन यहां राइट पे क्लिक कर देना है। सो यहां पे हमारा लोगो ऐड हो चुका है। अब यहां पे हमें अपने चैनल नेम को ऐड करना है। इसके लिए सिंपली आपको यहां ए पे क्लिक करना है। देन यहां टेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहां पे एक टेक्स्ट का बॉक्स ऐड हो जाएगा, इस पर डबल टैप करना है। देन यहां आपके चैनल का जो भी नेम है वो यहां पे ऐड कर लेना है। देन यहां डन पे क्लिक कर देना है। देन यहां ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें इसके फॉन्ट को चेंज करना है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ नीचे जाना है, यहाँ से सबसे पहले हमें पैडिंग को बढ़ा लेना है लेफ्ट और राइट साइड, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो कटे नहीं। इसके बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर लेना है।
फॉन्ट पे टैप करने के बाद यहाँ माई फॉन्ट में जाना है। ये फॉन्ट जो है मैं गूगल से डाउनलोड किया हूँ, आपको नहीं मिलेगा पिक्सल लैब में। सो इसका भी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर टैप करके आप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद ऐड कैसे करना है फॉन्ट को पिक्सल लैब में, अगर कोई प्रॉब्लम आती है ऐड करने में तो उस पर भी मैं वीडियो बना रखा हूँ कि कैसे किसी फॉन्ट को हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद सिंपली आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। यहां पे आपको नीचे फॉन्ट जो आज मैं यूज किया हूं वो मिल जाएगा, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फॉन्ट चाहे वो यूज कर सकते हैं। फॉन्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहां ओके पे क्लिक कर देना है। यहां पे टेक्स्ट को कुछ इस तरह से बीचों बीच प्लेस कर देना है। देन हमें इसके पीछे भी शैडो क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आपको शैडो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करके इसे इनेबल कर देना है। देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप चाहे तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे व्हाइट है तो यहाँ पे आप टैप करके कोई भी कलर जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, वैसे मैं व्हाइट मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं व्हाइट यूज कर रहा हूँ। आपको जो पसंद है वो उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, या फिर यहाँ ग्रेडियंट पे क्लिक करके आप दो तीन कलर को एक साथ यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा। सो यहाँ से मैं व्हाइट कलर को ही ले लेता हूँ। देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा आप चाहें तो टेक्स्ट के आउटर लाइन को भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रोक्स का एक ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि आप टेक्स्ट के चारों तरफ आप जो भी कलर का चाहें वो लाइनिंग लगा सकते हैं यहाँ पे। सो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर चाहे या फिर जो भी, और यहाँ से आप स्ट्रोक को बढ़ा भी सकते हैं। सो यहाँ पे मैं ब्लैक यूज कर लेता हूँ। देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अपने चैनल थीम के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर आपका गेमिंग चैनल है तो गेमिंग से रिलेटेड कुछ आइकन या एलिमेंट यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है, ताकि आपका जो चैनल ऐड हो वो अट्रैक्टिव दिखे। जैसे कि मेरा चैनल टेक है तो यहाँ पे टेक से रिलेटेड मैं आइकन यूज कर रहा हूँ। ये सारे आइकन का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना अगर आपका टेक्निकल चैनल है तो। अगर आपका दूसरा चैनल है आर्ट से या फिर किसी अदर गेमिंग वगैरह चैनल है, तो आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है गेमिंग आइकन या फिर गेमिंग पिक PNG ऐसा, और वहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे बिना बैकग्राउंड के। उसको आपको डाउनलोड करके यहाँ पे जिस तरह से मैं ऐड कर रहा हूँ आपको ऐड कर लेना है। सो यहाँ पे ऐड करने के लिए सिंपली आपको ऐड पे क्लिक करना है, आप फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ। डाउनलोड फोल्डर में यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बहुत सारे एलिमेंट्स डाउनलोड कर रखा हूँ। सो सबसे पहले मैं ये वाला एलिमेंट यूज कर लेता हूँ। देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। आप जो चाहें यहाँ पे कोई मतलब ये नहीं है, लिमिटेशन नहीं, आप जो भी चाहें जहाँ भी चाहें यूज कर सकते हैं, प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पे मैं इसे प्लेस कर दे रहा हूँ कुछ इस तरह से। ये थोड़ा ब्लैक है तो इसके अंदर भी मैं स्ट्रोक्स डाल देना है। यहाँ पे क्लिक करना है, इसके लिए सिंपली आपको नीचे जाना है और यहाँ स्ट्रोक्स का ऑप्शन मिलेगा, इसे इनेबल कर देना है। यहाँ से व्हाइट कलर का स्ट्रोक्स इसके अंदर आ गया, यहाँ से आपके इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पे सिंपली आपको कलर भी मिल जाते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग कलर भी सेट कर सकते हैं इसे और बेटर अपीयरेंस देने के लिए। तो यहाँ से हम येलो ले लेते हैं। देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से इसके साइज को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ फिर या फिर कहीं भी आप यहाँ से प्लेस कर सकते हैं इसे। इसके अलावा दूसरी साइड भी हम एक और एलिमेंट यूज कर लेते हैं, ताकि और भी अच्छा हो जाए हमारा चैनल आर्ट। इसके लिए सिंपली फिर से हमें यहाँ फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। देन डायरेक्ट आपको ये आपके गैलरी में ले जाएगा। यहाँ से हम कोई दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे एक और है, सो इसे यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। देन इसे छोटा कर लेना है कुछ इस तरह से, और फिर इसे आप जहाँ चाहे प्लेस कर सकते हैं। इसे कुछ इस तरह से प्लेस करने के बाद इसके अंदर भी हमें स्ट्रोक्स ऐड करना है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ नीचे जाना है, यहाँ स्ट्रोक पे क्लिक करना है, यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। देन हमें इसके कलर को जो भी चाहे आप, मैं यहाँ येलो यूज कर रहा हूँ, इट डजेंट मीन कि आपको कुछ और पसंद हो तो आप यूज कर सकते हो। और यहाँ से येलो सेलेक्ट करने के बाद राइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारा जो चैनल बैनर है वो कुछ हद तक जो है टेक्निकल दिखने लगा मेरा, मतलब अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि अगर आप सोशल नेटवर्किंग सोशल मीडिया यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह, तो उसके आइकन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ताकि अगर आपके कोई व्यूवर्स या सब्सक्राइबर आपके होम पेज को यूट्यूब के विजिट करते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ आप इन सब भी वेबसाइट्स पे या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हैं। तो यहाँ पे चलिए इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ। ये सारे एलिमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। सो यहाँ पे इसे हम सबसे पहले ऊपर वाले सेक्शन को क्रॉप कर लेते हैं और यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। देन इसके साइज को छोटा कर लेना है और यहाँ पे प्लेस कर देना है।
इसके बाद इसे और थोड़ा मतलब सही से दिखे, इलस्ट्रेटिव हो, इसके लिए सिंपली हम इसे इसके पीछे जो है शैडो दे देते हैं। इसके लिए सिंपली आपको नीचे जाना है, यहाँ शैडो पे क्लिक करना है, देन इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप यहाँ से चाहें तो इसका ब्लर रेडियस जो है अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, यानी यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। और भी ज़्यादा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ से इसके कॉन्ट्रास्ट को सेट कर लेना है, सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट जो भी है आपको यहाँ से चेक कर लेना है, कलर को आप वैसे ही रहने दें, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें दूसरा वाला जो था नीचे वाला सेक्शन जिसमें व्हाट्सएप वगैरह का भी था, टेलीग्राम का, तो इसे भी हम ऐड कर लेते हैं दूसरी साइड, यहाँ से ऐसे कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेते हैं, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको इसे भी छोटा करके इसको दूसरी साइड ऐड कर लेते हैं, ताकि जो भी हमारे होम पेज को विजिट करे उनको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि हम इन सब चीज़ों पे भी हैं, इन सोशल मीडिया को भी यूज करते हैं, इस पे भी हमारा पेज है। सो इसके अंदर भी हम शैडो क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है, और इसका भी जो है सैचुरेशन हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ से, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे हमारा चैनल आर्ट जो है वो बन चुका है। सो सारे एलिमेंट जितने भी हमने इसके ऊपर ऐड किए बैकग्राउंड के ऊपर वो अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना है, इन्हें कंबाइन कर लेना है, यानी कि मर्ज कर लेना है। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ क्लिक करना है, ये जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं सबको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है इस बॉक्स को, देन यहाँ क्लिक करना है और यहाँ ओके पे क्लिक करके इनको मर्ज कर लेना है। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब कंबाइन हो चुके हैं। इसके बाद हमें YouTube चैनल आर्ट का जो फॉर्मेट होता है कि कौन सा साइज जो है मोबाइल पे दिखेगा, डेस्कटॉप पे दिखेगा या फिर टैब पे दिखेगा, उसके लिए हमें एक यहाँ पे रेफरेंस यूज करना होगा, जिससे कि हम अपने इस चैनल आर्ट को जब भी YouTube पे यूज करें तो ऐसा ना हो कि बेढंग सा कहीं पे कुछ कट उठ जाए, उसका एक साइज प्रॉपर होना चाहिए। तो उसके लिए एक टेम्पलेट्स होता है, उसका भी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे यहाँ पे हमें यूज करना है। तो यूज करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करना है, देन आपको यहाँ से इस बैकग्राउंड को यूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक YouTube का यहाँ पे एक फॉर्मेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट एंड लोगो सेफ एरिया, यानी कि ये जो सबसे डार्क वाला एरिया दिख रहा है यहाँ पे, देखिए तीन सेट बने हुए हैं, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा ये वाला एरिया, तो जो सबसे डार्क वाला एरिया है इतना सेक्शन हमें मोबाइल यूजर्स को दिखता है, यानी कि मोबाइल पे जो यूट्यूब चैनल को विजिट करेंगे आपके तो उनको चैनल आर्ट सिर्फ ये डार्क वाला एरिया दिखेगा। अगर कोई टैबलेट यूजर आपके चैनल को विजिट करता है तो उसको डार्क वाले एरिया के बाद थोड़ा सा फेड हुआ एक जो एरिया ये वाला दिख रहा है इतना दूर तक उसको दिखेगा, और अगर कोई डेस्कटॉप से देखेगा तो उसको ये पूरा दिखेगा, और टीवी यूजर्स को पूरा दिखेगा, जितना बड़ा ये डिस्प्ले दिख रहा है ना, ये जितना बड़ा डिस्प्ले है ये पूरा जो है टीवी पे अगर कोई देखता है, अगर आपके यूट्यूब चैनल को, आजकल तो एंड्रॉयड टीवी आ रहा है ना तो उसके अंदर सब कुछ यूज करते हैं लोग, तो ये पूरा दिखेगा। तो अक्सर हमें मोबाइल के लिए ही बनाना होता है, डेस्कटॉप वगैरह पे कौन क्या देखता है, उसके लिए भी आप यहाँ से साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ आपको राइट पे क्लिक कर देना है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसको हमें छोटा करके उसके अकॉर्डिंग प्लेस करना है, तो हमें यहाँ से इसे छोटा कर लेना है। यहाँ पे सही से एडजस्ट करने के बाद हमारा चैनल आर्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है, सही से बन चुका है। सो इसे हमें सेव कर लेना है, सेव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से सेव एज इमेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको डायमेंशन में कस्टम से ज़्यादा अगर आपको वेरी हाई क्वालिटी चाहिए तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा पे क्लिक करना है, देन यहाँ सेव टू गैलरी पे क्लिक करके सेव कर लेना है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको भी ऐसा चैनल आर्ट बनाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूँगा। इसके अलावा मैं आपको एक बार और रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी तरह YouTube चैनल इंट्रो बनाना चाहते हैं तो आप एक बार रेंडर फॉरेस्ट वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिख जाएंगे, बट एक प्रॉब्लम है, आप वहाँ से हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, 360p में एक्सपोर्ट कर पाएंगे और उस पर वाटर मार्क आएगा। अगर आप अपने YouTube चैनल को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं और अपने भी वीडियोस को एक हाई लेवल और व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने वीडियोस में यूज करके इंट्रोज को, तो आप उसे बनवा सकते हैं, आपको थोड़ा सा कॉस्ट पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़े से चार्जेस देने होंगे, और मैं आपको 1080p रेजोल्यूशन में हाई क्वालिटी में विदाउट वाटर मार्क आपको इंट्रो दे सकता हूँ। सो अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आपको मेरा नंबर ये डिस्प्ले से मिल जाएगा,
इसके अलावा अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ डिजाइन से रिलेटेड या फिर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, ट्यूटोरियल वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं इससे भी रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो आपसे। तो चलिए मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।